Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Brahmanya Devaya Gobrahmana Hitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Narangchaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nishthiki Hare Krishna Sare Shrotaganon Ka Abhakton Ka स्वागत है आज का भागवत क्लास छठा स्कंद अध्याय 14 श्लोक नंबर 56 सही है ना और इस अध्याय का शीर्षक है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट Tam tat narhasi cha mam kripanam anatham. Tam tat narhasi cha mam kripanam anatham. Tyaktum vichakshva pitaram tava shoka taptam. Anjastarema bhavata praja dustaram yad Dvantam na yahi akarunena yamena duram Tvam Tumhe Tata E putra Na Nahi Arhasi Chahiye Cha Tatha Mam Mujhe Kripanam Atyanta Deen Ki Atyanta Deen Ko Anatham Rakshak Vihin Anath Ko Tyaktum Chodana Vichikshwa Dekho Pitaram Pita Ko Tava Tumhare Shoka Taptam Shoka Santapta Anjaha Saralta Purvak Tarema Hampar Kar Sakte Ho Hampar Kar Sakte Hai Bhavata Tumhare Dwara Apraja Dustaram Bina Putra Kepar Karna Dushkar Yat Jo Dvantam Andhakar Ka Rajya Na Yahi Durmat Jao Akarunena Nirday Krur Yamena Yamaraj ke saath Duram Dur Anuvad Uttat Pariya Shila Prabhupada Ji Dwara Shila Prabhupada Ki Jai Pyare Bete Main Asahai Evam Atyadhik Shokakul Hoon Tumhe Mera Saath Nahi Chhodna Chahiye Tum Apne Shokakul Pita Ki Or To Dekho Hum Dono Asahai Hain Kyunki Putra Ke Bina
हमें घोर नरक में यातनाएं सहनी पड़ेंगी। तुम ही एकमात्र सहारा हो जिसके बल पर हम इस अंधकारमय प्रदेश से उबर सकते हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम निर्दयी यमराज के साथ और आगे ना जाओ। तात्पर्य, वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को पत्नी स्वीकार करनी चाहिए जिससे वह पुत्र उत्पन्न करके अपने को यमराज के चंगुल से छुड़ा सके। जब तक पितरों को पिंडदान करने के लिए पुत्र नहीं होता तब तक यमराज के लोक में यातना सहनी पड़ती है। राजा चित्रकेतु यह सोचकर अत्यंत शोकाकुल था कि उनका पुत्र यमराज के साथ चला जा रहा है, अतः उन्हें पुनः यातना सहनी होगी। ये सूक्ष्म नियम कर्मियों पर लागू होता है। यदि मनुष्य भक्त बन जाता है तो कर्म के नियम उस पर लागू नहीं होता। हमसे कहा गया कि इस अध्याय के आगे भी पढ़ लें क्योंकि और तात्पर्य है नहीं, तो इस अध्याय को समाप्त कर दें। प्यारे बेटे, तुम बहुत देर से सो रहे हो, अब उठो, अब उठ जाओ। तुम्हारे संगी तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। क्या है ये, कुछ गड़बड़ है। चूंकि तुम्हें बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी होगी, इसलिए उठो, मेरे स्तनों से दूध पियो और हमारा शोक दूर करो। प्रिय पुत्र, मैं सचमुच अभागिनी हूँ क्योंकि मैं अब तुम्हारे मुख पर मंद हंसी नहीं देख सकती हूँ। तुमने सदा के लिए आंख बंद कर ली है, अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि तुम इस लोक से दूसरे लोक में ले जाए गए हो, जहाँ से तुम लौट कर नहीं पाओगे, तुम लौट नहीं पाओगे। बेटे, मैं तुम्हारी मनमोहक वाणी अब और आगे नहीं सुन सकती हूँ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार अपने प्रिय पुत्र के लिए विलाप करती हुई अपनी पत्नी के साथ ही राजा चित्रकेतु भी अत्यंत शोक से संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगा। राजा तथा रानी के विलाप करते देखकर उनके समस्त अनुयायी स्त्री तथा पुरुष भी रोने लगे। इस आकस्मिक घटना से राज्यभर के सभी नागरिक अचेत से हो गए। जब ऋषि अंगिरा ने समझ लिया कि राजा शोक समुद्र में मृत प्राय हो चुका है, तब वे नारद ऋषि के साथ वहां गए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत राजा चित्रकेतु का शोक नामक 14 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुई। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि पुत्रार्थ क्रियते भार्या पुत्र पिंड प्रयोजनम पुन्नामो नरकाद यस्मात्रायते इति पुत्रः। यहाँ पर ये जो शास्त्र की वाणी है प्रभुपाद ने बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत किए हैं। वैदिक अनुसार आदेश अनुसार मनुष्य को पत्नी स्वीकार करनी चाहिए जिससे वह पुत्र उत्पन्न करके अपने को यमराज के चंगुल से छुड़ा सके, है ना। वास्तव में यहाँ पर एक ही लाइन में प्रभुपाद जी वेदों का जो आदेश है यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। कभी लोग हमने देखा है विशेष करके भारत में सोचते प्रभुपाद जी के ग्रंथ उतना उसमें उतना विद्वत्ता नहीं होती, उसमें उतना पांडित्य नहीं होता। किंतु जब हम पुराणों का अध्ययन कर रहे थे तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तव में प्रभुपाद जी के जितने भी तात्पर्य है कहीं ना कहीं शास्त्रों के कोट्स मिलेंगे। हमने देखा है जो लोग कहते इसमें पांडित्य नहीं है वो स्वयं पंडित नहीं होंगे, स्वयं शास्त्र पढ़े नहीं होंगे। यहाँ तक के जो तर्क प्रभुपाद देते हैं कई जगह पर कि यदि हम ये मान ले कि ब्रह्म भगवान जब माया से दूषित होकर
पृथ्वी पर आता है तो उसको ईश्वर कहते हैं, है ना। एक तर्क है, ये मायावादियों का तर्क है। ये वास्तव में ये तर्क ब्रह्म वैवर्त पुराण से निकाला है। तो वो भी हर प्रकार की जो वाणी हमने देखा है कहीं ना कहीं पुराणों में प्रभुपाद ने, प्रभुपाद जी की जो वाणी कहीं ना कहीं पुराणों में मिलता है। तो हम जब इसका अध्ययन कर रहे थे तो हम ये सोचे भाई वास्तव में प्रभुपाद जी को लेकर हम चले तो हमेशा हम सुरक्षित रहेंगे, हम कभी भटकेंगे नहीं। ये हमारी अपनी अध्ययन का फल है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, ये सूक्ष्म नियम कर्मियों पर लागू होता है। यदि मनुष्य भक्त बन जाता है तो कर्म के नियम से कर्म के नियम उस पर लागू नहीं होता। और ये भी एक बहुत विचार विमर्श की बात है, क्योंकि भक्त कभी इससे कभी चिढ़ जाते हैं। यदि हम भक्त हैं तो हमारे ऊपर कर्म लागू नहीं होता है क्या? हम रोगी नहीं होते? सर्दी नहीं लगती क्या? हमारे साथ एक्सीडेंट नहीं होता है? ये सब कर्म का परिणाम होगा ना। तो आचार्य कैसे कह रहे हैं यहाँ पे कर्म लागू नहीं होता, है ना? आपके मन में कभी ये शंका उठी कि नहीं? उठा होगा। जो विवेकी होंगे वो सोच रहे हैं ये कैसे हो सकता है। तो इस पर हम थोड़ा व्याख्या करें। प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कृतम इति मन्यते। गीता का ये श्लोक ये हमें बताता है कि वास्तव में जितने भी कर्म है इस संसार में सब प्रकृति द्वारा, त्रिगुण द्वारा किए जाते हैं, किंतु अहंकारवश जो आत्माएं बंध जीव है यहाँ पे, वो ये सोच बैठते हैं कि मैं ही करता हूँ। तो कर्म वास्तव में संसार में जो जितने भी कर्म हैं त्रिगुणात्मक कर्म है, तीन गुण द्वारा किए जाते हैं। जीव इच्छा करता है और प्रकृति वो कर्मों को कर बैठती है, उनकी इच्छाओं को पूरा कर देती है। और कर्म भी तीन प्रकार के हैं। सात्विक कर्म भी एक प्रकार का बंधन है। सात्विक कर्म हमें पांडित्य से बांधता है कि हमें लग जाए हाँ मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, देखो आज मैं व्यास पर बैठा हूँ और सभी मेरे वाणी सुन रहे हैं, हाँ आज मैं प्रगति कर रहा हूँ। भाई प्रगति किस ओर, अभिमान की प्रगति कर रहे हो या वास्तव में शास्त्र की व्याख्या कर रहे हो? सत्वगुण हमें बांध देता है पांडित्य में, और जो आनंद मिलता है वास्तव में सत्वगुण का वो शास्त्रीय संबंधित आनंद होता है, किंतु है तो बंधन ही। रजोगुण हमें भोग कर्म की ओर ले जाता है, भोग कर्म से बांध देता है। एक है पांडित्यानंद और दूसरा है भोग आनंद कि संसार में हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। वो क्या है कि आजकल है ना वो उस गाड़ी का नाम क्या है, वो मोटा सा मोटर बाइक का नहीं नहीं वो सभी मोटा है, वो रॉयल एनफील्ड। हमें रॉयल एनफील्ड चाहिए। वास्तव में एनफील्ड को जो शब्द आप देखेंगे इंग्लिश में रॉयल एनवी, राजकीय ईर्षा। कि हम बैठे राजा जैसे हैं। तो ये भोग के लक्षण है, भोगानंद के लक्षण है। और तमगुणी वो हमें जघन्य कर्म से बांधता है, वो कर बैठेंगे जो नहीं करना चाहिए, है ना। किंतु यहाँ पर आचार्य ने कहा है कि भक्त इन कर्मों से प्रभावित नहीं होता, अर्थात भक्त त्रिगुण से परे होगा, होना ही चाहिए। यदि आप तीन गुण से परे नहीं है, त्रिगुणातीत नहीं है, तो कोई ना कोई कर्म आपको दूषित करेगा ही, प्रभाव तो पड़ेगा ही। और ये बात गीता में भी है कि भक्ति वास्तव में तीन गुणों से परे है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वास्तव में भक्त की परिभाषा यही है कि समः सर्वेषु भूतेषु, सबको एक समान देखना। आप सबको एक समान देखते हो भाई? जब हमारी बात आती तो सबको एक समान देखना चाहिए, किंतु जब हमें कुछ लाभ लेना है संसार में तो समान क्यों देखें? न सोचती न आकांक्षती, कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं है, और कोई इच्छा भी नहीं, कोई आकांक्षा भी नहीं है। समा सर्वेशु भूतेषु तब भक्ति प्राप्त होता है, मद्भक्तिम लभते पराम। उससे पहले जो हम भक्ति करते हैं वास्तव में भक्ति है नहीं, तीन गुण वाली भक्ति वो वास्तव में भक्ति नहीं, उसको कर्मयोग कहा गया है। तो वास्तव में यदि भक्त ब्रह्मभूत बनता है तब उसके ऊपर कर्म प्रभावित नहीं कर सकता, कर्म उसको प्रभावित नहीं कर सकता, तभी भक्ति
शुरू होता। अब आप कहेंगे भाई तब क्या किया जाए, अभी तो मैं त्रिगुण से मुक्त नहीं हूँ, तो मेरा क्या गति होगी, हमारी क्या गति होगी? तो वहाँ पर प्रभुपाद जी भी इस पर उत्तर देते हैं, तब तक जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते तब क्या करना चाहिए? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जानिवात्मा कृतं विपाकं हृद्वाग्वपुरभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत युमुक्ति पदे सदाय भाक। ये भागवत का श्लोक है और यहाँ पर बताया गया है कि जब तक हम मुक्त नहीं होते तब तक कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, और जब पिछले जन्मों के कर्म और इस जन्म के बीते हुए सालों के कर्म हमारे ऊपर पड़ता है तो क्या हमें ईश्वर को दोषी ठहराना चाहिए जैसे यहाँ पर कृतद्युति कर रही है? नहीं। ये बताता है भुंजाने वात्मा कृतम विपाकम, ये जानना चाहिए कि हमने जो पिछले पूर्व कर्म किए हैं उसका फल, उसका परिणाम है ये। और क्या करना चाहिए? हृद्वाग वपुरभिर विदधन नमस्ते, पूर्ण हृदय से, वाणी से और अपने शरीर से उनको प्रणाम करना चाहिए, प्रभु को प्रणाम करना चाहिए। तो जो ऐसे जीता है जीवेत यो मुक्ति पदे सदाया भाग, मुक्ति उसका दाया भाग बन जाता है, इनहेरिटेंस बन जाता है, वो वास्तव में गोलोक की प्राप्ति उसकी उसका टिकट बन चुका है, उसका टिकट बन जाता है जो ऐसे जीता है। हमको चाहिए सदैव दोष अपने अंदर ढूंढे, भगवान को ऊपर कोई दोष आरोपण कभी करना नहीं चाहिए, नहीं तो हम स्वयं दूषित हो जाते हैं। रामचरितमानस की जो बात तो सभी जानते होंगे, होई हई सोई जो राम रचि राखा को करे तरकई बढ़ा वही शाखा, है ना। हालांकि हम लोग रामचरितमानस से पढ़ते नहीं यहाँ पे, किंतु कहीं कहीं ऐसे से सुंदर सुंदर वाणी है कि भाई आप भगवान से तर्क करेंगे तो केवल तर्क की शाखा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। को करी तर्क बढ़ा विषा का, ईश्वर से तर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि वो तर्क करना चाहे तो बात दूसरी है, किंतु हमें उनको दोषी कभी ठहराना नहीं चाहिए, क्योंकि वास्तव में हम जब किसी को दोषी ठहराते हैं, ईश्वर को दोषी ठहराते हैं, तभी हम इस संसार में बंधते हैं। जब कोई संसार में आता है तो ऐसे नहीं कि आने से ही वो बंध जाता है, जब तक वो अपना विवेक नहीं त्यागता और भावुकता प्रकट नहीं होता उसके अंदर तब तक वो बंधता नहीं है। जो बंधन है वो भावुकता का ही बंधन है। प्रभा जी यहाँ पर उदाहरण दिए, एक राजा यदि कहीं कारागार में जाता है, कारागृह में, तो ऐसा नहीं कि वो भी एक उसमें बंध जाता है, नहीं, केवल जा रहा है, निरीक्षण कर रहा है, देख रहा है, इसका तात्पर्य नहीं कि वो भी एक अपराधी बन गया है, उसको बांध करके वहाँ बैठा देंगे, ऐसे नहीं है। जीव जब प्रकृति में प्रवेश करता है तो तुरंत नहीं बंध जाता, जब यहाँ पर आकर वो निरीक्षण करे, केवल देखे और विवेक अपना न खो बैठे तब तक वो नहीं बंधता। हाँ, जब उसके अंदर वासना जागती है, भाई इसका भोग करना, ये मुझे चाहिए, तो उसके अंदर रॉयल एनफील्ड आने लगता है, ये हो ही जाता है, तब आसक्ति बढ़ती है और उसको चाहिए कई प्रकार के धन संग्रहित करना, चोरी से कभी, डाका से कभी, GST को भी ना दिखा करके भी ऐसे ऐसे वो ले लेता है ना। जीव ऐसे बंध जाता है संसार में, किंतु यदि वो अपना विवेक ना खो बैठे तो किसी प्रकार के बंधन नहीं है। तो वास्तव में यदि हम अपना भावनाएं संसार के प्रति इसको बंद कर सकते हैं तो फिर बंधन ही क्या, किंतु ये संभव नहीं होता। भावनाएं तो होती ही रहती हैं, किसी के अंदर कुछ ज़्यादातर भावनाएँ ही होती हैं, किसी के अंदर कुछ कम होती हैं। और यहाँ पर यह भी है कि भाई केवल सुनने से और जानने से कोई मुक्त तो नहीं होता, भाई समझ लिया कि अच्छा ये भावना ही है जो हमें संसार से बांधता है, ठीक है समझ गया, तो क्या समझने से आप मुक्त हो जाएंगे? ये प्रश्न देवहूति ने कपिल से पूछी कि भाई केवल जानने से ऐसे तो नहीं होता कि हम मुक्त हो जाते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है? क्योंकि जानने के बाद भी जीव अपराध कर बैठता है, क्यों? ये प्रश्न गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि कारण क्या है कि ना चाहते हुए भी जीव अपराध कर बैठता है। भगवान ने क्या बोला उस पर? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशुनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। इसको यदि हम मनोवृत्ति की दृष्टि से देखें, इस पर कुछ प्रकाश डाले, तो वास्तव में कठिनाई क्या है? कठिनाई ये है,
कर्म से छुटकारा पाने की कठिनाई नहीं है, छुटकारा तो पा लिया। कहते हैं महात्म्य में कि कार्तिक में दीप दान करने से, गिरिराज जी की परिक्रमा करने से, तुलसी को जल डालने से, अब तो प्रतिदिन हम लोग करते हैं, और उनका चरणों में उनके जड़ में स्पर्श करने से सारे पाप मिट जाते हैं। तो पाप तो मिट गया, किंतु ऐसे लक्षण तो दिखाई नहीं देते कि हम मुक्त हो गए। क्या कारण है? आदतें नहीं छूटती, ये सबसे बड़ी समस्या है। जो हम जन्म जन्मांतर कर्म करते आए हैं, उसका प्रभाव ये हो गया है कि हमारे अंदर आदतें आ गई हैं, संस्कार आ गई हैं। तो कर्म नष्ट होने के बावजूद भी वो संस्कार, वो आदतें हमारे अंदर रह जाती है। कोई मुक्त हो गया है किंतु आदत से वो फिर वही उल्टा सीधा काम करने लगता है। अब वास्तव में आदत जो है ये भावनाओं के ऊपर चलता है। तभी तो लोग कहते हैं भाई आदत से मजबूर हूँ, सब कुछ समझता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, किंतु कर नहीं पाता हूँ, आदत से मजबूर। तो वास्तव में हमें जो जीतना है वो आदतें जीतना है, किंतु आदत जीतने की क्षमता जीव में नहीं हो पाती। तभी तो ईश्वर का होना आवश्यक होता है। तो वास्तव में हमें जो संसार में बांधता है हमारे आदतें ही है। सूक्ष्म आदत होगा, या तो कभी कभी ऐसे होता है कि मान लो बालक हो तो वो आदत अभी प्रकाशित नहीं हुआ था, अभी दिखाई नहीं देता है, किंतु जैसे वो यौवन हुआ तो जो आदतें थी पिछले जन्म की, या जो इच्छाएं थी, वो प्रकाशित होने लगता है। कभी कभी हमें पहले वो आदत नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में जीव का जो कर्म का भुगतान है उससे उनको मुक्ति नहीं देता, क्योंकि आदत तब छूटती है जब हमें एक परीक्षाएं मिले, तब परीक्षा से हमें शिक्षा मिलेगी, हमें अनुभूतियाँ मिलेंगी, उससे आदत छूटती है। यही कारण है कि हरि भी विवश है कि जीव को उनका कर्म दो, किंतु प्रभा जी कहते हैं कि जब हरि हमें परीक्षाएं देती है तो उसको कर्म नहीं कहते, कृष्ण कर्म। जब माता जी देती हैं, दुर्गा जी देती है, हाँ तो उसको कर्म कहते हैं, किंतु जब हम भगवान में शरणागत ले हो जाते हैं तो जो परीक्षाएं मिलती है वो शिक्षा, जिससे हम लोग शिक्षा पाते हैं, वो भगवान का दिया हुआ है। यही कारण है कि भक्त के ऊपर भी अनेक प्रकार के दुख संताप आदि आदि आते ही रहते हैं, किंतु हमें जानना चाहिए कि इससे हमें कुछ सीखना है, तभी तो हरि दे रहे हैं, तभी तो कृष्ण दे रहे हैं। और यदि नहीं सीखे तो वो परीक्षा दोबारा आएगी, और यदि सीख गए तो जो बाकी कर्म है जिसके आधार पर वो परीक्षा भगवान ने बनाया है उसको वो लुप्त कर देते हैं। कर्माणि निर्धति किंतु च भक्ति भाजाम, इसका तात्पर्य है। तो सबसे कठिन है अपने आदतों का परित्याग, और यह सबसे कठिन, सबसे दृढ़ बंधन भी है। यहाँ पर चित्रकेतु और उनकी पत्नी कृतिद्युति दोनों भावनाओं से बंध गए थे और अपने विवेक को खो बैठे। अब देखो इसमें कोई दोष तो है नहीं कि कोई व्यक्ति अपने पुत्रों से स्नेह करता हो, ये तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, किंतु जब बच्चों में, परिवार में स्नेह भगवान के स्नेह से अधिक हो जाए तब उसको मोह कहते हैं। भक्तों के अंदर भी परस्पर स्नेह होना चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, सुहृदता होनी चाहिए, किंतु यदि वो मित्रता या वो स्नेह हमें भगवान की ओर से ले जाए, दूसरी ओर ले जाए, तो उसको मोह कहते हैं। यहाँ पर प्रभु जी कह रहे हैं कि भक्त यमलोक नहीं जाते, उनको पर ये लागू नहीं होता है। एक दूसरा कारण यह भी है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। यहाँ पर जो जिस प्रकार की पूजा करता है, जिस प्रकार का व्रत धारण करता है, जैसे देवव्रत कोई करता है तो वो देवलोक में जाएगा, पितरों की पूजा करता है तो पितृलोक में जाएगा, भूतों की पूजा करता है तो भूतों के साथ नाचेगा, है ना। और यान्ति मद याजिनोऽपि माम, जो हमारी उपासना करता है हरि कह रहे हैं तो मेरे साथ जिएगा। तो आप सब हैं, ये आशा तो है कि कोई भूतों की पूजा नहीं करता होगा छुप छुप करके, नहीं, सभी हरि की पूजा करेंगे तो गति वही मिलेगी, इसलिए यमराज के दर्शन नहीं होंगे भक्तों का। और फिर भी यदि हम इस जन्म को सिद्ध नहीं कर पाए,
इस जन्म में अपने भक्ति को पूरा नहीं कर पाए तो क्या होगा? प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्व शाश्वती समह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा भी जाए थे। हाँ, जब कोई अपनी भक्ति पूरी नहीं कर पाता है किसी भी कारणवश, भाई भजन कर रहा था किंतु सपने में एक बार उरुषि दिखाई दी, तो ओ गोलोक जाएंगे किंतु इंद्रलोक भी जाएंगे एक बार है? हो सकता है। उरुषि जानते हैं ना आप, सबसे सुंदर अप्सरा है इंद्रलोक का, क्योंकि हरि कांक्ष है ना वो, उरुष निकले हुए उर्वशी। यदि ऐसे कुछ हो गया है ना, और भक्ति के अंदर अंदर है, बाहर से भक्ति कर रहे हैं कि अंदर इच्छा है कि भाई उर्वशी के दर्शन हुए थे सपने में, एक बार उनसे मिल तो लो, उनका स्वर कैसे होगा, गति कैसे होगी, अर्जुन से भी मिली होगी, हाँ हाँ कैसे। तो ये हो सकता है कि आप इस जन्म के पूरा होने पर गोलोक तुरंत न जा सकें, तब प्राप्य पुण्य कृताम लोकान वहाँ जाएंगे जहाँ पर वो लोक है जहाँ पर पुण्यवान लोग जाते हैं। उषित्वा शाश्वती समय, यहाँ पर शाश्वती का तात्पर्य ये नहीं कि वो आप सदैव रह सकते, क्योंकि इंद्रलोक भी शाश्वत नहीं है, कभी वो नष्ट होगा तो वहाँ से लौटना पड़ेगा। और जो लौट करके आएंगे पृथ्वी पर, क्षीण्य पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति तब शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा भी जायते, तो आपको दोबारा एक अवसर मिलेगा हरि देंगे कि आप ब्राह्मणों के परिवार में उच्च कुल में जन्म लेंगे शुचिनाम, और श्रीमता माने धनी, बनिया, बिरला, टाटा, ऐसे परिवार में आप जन्म ले सकते हैं। विशेष करके बिरला बहुत पुण्यवाणी है ना, जितने धर्मशाला है ज़्यादातर बिरला का ही है, तो आप ऐसे परिवार में जन्म लेंगे और दोबारा आपको अवसर मिलेगा कि आप अपनी भक्ति इस बार पूरा करो, क्योंकि हरि जब एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, है ना। एक बार आप आ गए इस नाव में तो गोलोक की गति तो होगा ही, किसी को देर से हो तो किसी को तुरंत हो। ये सब कहने के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कह दिए ना कि भक्तों के ऊपर लागू नहीं होता ये सब नियम, फिर भी एक पत्र में, ये इंग्लिश में है मैं तो उसका अनुवाद करता हूँ, कहते हैं कि ये जो पिंडदान आदि कर्म है ये भक्तों के लिए भी आवश्यक है। हालांकि दो प्रकार के यहाँ विधियाँ हैं, एक है कर्मकांड विधि और एक है भक्तियों की विधि। तो प्रभुपाद जी रेवती नंदन को 14 नवंबर 1973 में कहते हैं, आप जो उस एक्सीडेंट के बारे में, कार एक्सीडेंट के बारे में कह रहे थे, तो मैं इस पर यह कहूँगा तुम एक संवेदना सभा बुलाओ। संवेदना सभा समझते हैं, कॉन्डोलेंस मीटिंग, उस राघवदास ब्रह्मचारी उसके लिए और उनकी आत्मा के लिए तुम श्री कृष्ण से प्रार्थना करो कि उसको दोबारा एक अच्छा अवसर प्रदान हो कि वो कृष्ण भवनामृत में आगे बढ़ सके। ये निश्चय है कि भगवान उसको दोबारा एक ऐसे जन्म देगा जिससे वो अपने कृष्ण भावना की कार्यकलापों को दोबारा फिर से आरंभ कर सके, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु हमें चाहिए कि एक संवेदना सभा बुला करके उस वैष्णव से जुदा होने के कारण हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि उसके साथ साथ प्रसाद का वितरण भी करना चाहिए? 3 दिन के पश्चात, उस वैष्णव के जाने के पश्चात, हमें एक सभा बुलानी चाहिए और उसमें उस मृत आत्मा को और सबको प्रसाद खिलाना चाहिए, प्रसाद का वितरण करना चाहिए, यह परंपरा है। तो प्रभु जी यहाँ पर बताते हैं कि हमारे इस्कॉन में ऐसा होता है कि हालांकि हम लोग पिंडदान वैसे नहीं करते जैसे गया में होता है या तो यहाँ जमुना पे होती है, वैसे तो नहीं करते, किंतु सिस्टम ये है कि हम लोग भगवान के महाप्रसाद उस मृत आत्मा को, उस प्रेत आत्मा को हम लोग चढ़ाते हैं। यहाँ पर जब मैं मायापुर में था तो हम लोग गुरुकुल में गोपाल भट्ट गोस्वामी के सत्क्रिय सार दीपिका पढ़ते थे। सत्क्रिय सार दीपिका हमारी पद्धति है जिससे ये पता चलता है कि वैष्णव के लिए कौन सी क्रिया कार्य करना चाहिए, दहन क्रिया आदि आदि, जब किसी का प्राण छूटता है तो क्या करना चाहिए। सत्क्रिय सार दीपिका का तात्पर्य ये है कि जो कर्मकांड के जो विधियाँ हैं उसका आध्यात्मिक सार क्या है, उसको लेकर चलना चाहिए। तो सत्क्रिय सार दीपिका के अनुसार प्रभुपाद जी ऐसे बताए हैं कि हम लोगों को महाप्रसाद चढ़ाना चाहिए।
कुछ वैष्णव परंपराओं में ये प्रथा चली आई कि वो पूरा कर्मकांड श्राद्ध करते हैं, और इस विषय में आप यदि रामायण पढ़ते हैं तो दशरथ महाराज, ये प्रतिध्वनि क्यों हो रहा है? अभी तो हो नहीं रहा था। तो जैसे कि रामायण में दशरथ महाराज का जब प्राण छूटता है तब वहाँ पर सारे पिंडदान श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पांडु महाराज के बारे में भी ऐसा बताया गया है, और पितामह के बारे में, भीष्म पितामह के बारे में भी ऐसा कहा गया, जब वो प्रस्थान किए तो सारे श्राद्ध क्रियाकर्म किए गए थे। यहाँ पर चित्रकेतु भी स्वयं अभी अपने पुत्र का दहन क्रिया श्राद्ध कर्म करेंगे। आगे के अध्याय में 16 में श्लोक नंबर 13 और 16 में बताई गई कि उन्होंने श्राद्ध पिंडदान आदि सब किए अपने बच्चे के लिए। तो हमारे वैष्णव के लिए जो क्रिया है वो थोड़ा सरलता है, उसमें सरलता है ज़्यादा, कि हम लोग जब कोई वैष्णव हमसे बिछड़ जाता है तो हम लोग ब्रह्म संहिता का पाठ करते हैं, गीता का प्रवचन करते हैं, और उस मृत शरीर पर गंगाजल का छिड़कावा करते हैं। फिर उनको एक महाप्रसाद माला चढ़ाया जाता है, तुलसी रखी जाती है, घी और तिलक चढ़ाया जाता है, उनके साथ धूप दीप और फूल चढ़ाया जाता है, और ये धीमी नाद में कीर्तन करते करते अब एक से एक सारे भक्त आएंगे आगे और उनसे अंतिम विदा लेंगे और अंतिम कुछ विदाई के शब्द बोलेंगे उनसे। और तब जब शरीर को हम जलाने लगते हैं तो उसमें कोई कुछ मंत्र हैं जो बोले जाते हैं, ये ईशोपनिषद के मंत्र हैं। ओम वायुर अनिलम अमृतमथेदम भस्मांतागम शरीराम, ओम क्रतो स्मर कृतज्ञम स्मरा, क्रतो स्मर कृतज्ञम स्मरा, अग्ने नय सुपथाराये अश्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, युयुध्यस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेमा। ये ईशोपनिषद के दो श्लोक हैं और ये हमें बताते हैं कि इस मृतात्मा के लिए, हे प्रभु, हमने जो भी भक्ति किया है आपको समर्पण करके अब जब हम इस यात्रा में जा रहे हैं तो हमें सदगति प्राप्त कराना। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, इस शरीर का वायु से मिल जाए, इस शरीर की मिट्टी जो भस्म होगा फिर मिट्टी में मिल जाए। क्रतो स्मर कृतज्ञम स्मरा है कि हे प्रभु, हमने जो सत्कर्म किए उसका स्मरण करो, हमें उच्च गति दो। फिर एक और मंत्र कहा जाता है, ओम क्रव्याद अग्नि नमस्तुभ्यम, क्रव्याद अग्नि वो है जो कि शरीर जलाता है। फिर शांति पाठ किया जाता है, ओम ध्यो शांति आदि। चौथे दिन पर ये भस्म लेकर के जमुना गंगा में या कोई पवित्र नदी में उसका विसर्जन किया जाता है। फिर उसके बाद ईशोपनिषद का जाप होता है, और तब हमें चाहिए कि भगवान कृष्ण को पिंड चढ़ाए और भोग लगाए। जब वो महाप्रसाद बन जाए, जैसे भगवान जब खा रहे तो उसके समय हमें ब्रह्म संहिता का जाप करना चाहिए, और उस महाप्रसाद और पिंड प्रसाद को उस प्रेत आत्मा को जो चले गए हैं उसके फोटो पर, उसके छवि के सामने चढ़ाया जाना चाहिए, और उसके बाद सबको प्रसाद मिलता है, कीर्तन और प्रवचन दिया जाता है। तो ये हमारे वैष्णव विधान से ऐसे प्रेत क्रिया किया जाता है। विदेशों में भी यही स्थिति है, ऐसे हम लोग करते हैं, भारत में भी यही है। किंतु गरुड़ पुराण में, अभी थोड़ी समय बाकी है, तो गरुड़ पुराण में जो कि पूरे विश्व में जितने भी हिंदू समाज है उसी के अनुसार पालन करते हैं, उसमें कुछ और चीज़ें बताई गई हैं। पूरा मैं तो यहाँ नहीं कह पाऊँगा, वो सब कर्मकांड विधि है, किंतु आपके जानकारी के लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कुछ जो परंपरागत वैष्णव है उसमें सुदृढ़ रहते हैं, वो प्रेत कांड ये गरुड़ पुराण का पालन भी करते हैं। क्योंकि अब आप ये तो नहीं देख सकेंगे कि उसकी गति क्या हुई है, ये तो गुरु ही देख सकता है। यदि गुरु ने देख लिया भाई हाँ वैकुंठ से विमान आया या गोलोक से कन्हैया आए हैं, तो इसके लिए कोई श्राद्ध कर्म की आवश्यकता नहीं है, है ना। किंतु ज़्यादातर स्थिति क्या होती है, आप तो वैष्णव हो किंतु आपके परिवार वाले वैष्णव है क्या? यदि नहीं है तो उनके ऊपर वैष्णव विधि लागू नहीं होगा, काम नहीं करेगा। हमने अनुभव किया, हमने पुरोहिती किया है, मायापुर के निकलने के बाद हमने पुरोहिती किए, तो उसमें कई कई बार हमने देखा कि वैष्णव विधि कर्मियों पर लागू नहीं होता है, उनके लिए कर्मकांड ही करना पड़ता है। क्योंकि अभी हरि नाम तो किया ही नहीं है ना, दीक्षा कभी लिया ही नहीं, तो उनका संबंध तो हरि से बना ही नहीं, वो बनाना ही नहीं चाहते, वो कहीं और जाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ये कर्मकांड विधि ही लागू होता है।
तो सूक्ष्म रूप में वो भी बता देते हैं आपको कि प्रेत क्रिया के अनुसार गरुड़ पुराण में पहले से जो जिस दिन प्राण छूटता है उसे लेकर 10 दिन तक एक पिंड, पिंड होता है चावल दूध में पकाया हुआ, उसमें काला तिल, थोड़ा मधु और घी भी मिलाया जाता है और एक गोला बनाया जाता है, पिंड इतना बड़ा लगभग। तो प्रतिदिन शरीर छूटने से 10 दिन तक वो चढ़ाया जाता है तर्पण के साथ। कहते जब कोई मर जाता है, मृत आत्मा बहुत प्यासे होते हैं, इसलिए उसको तर्पण दिया जाता है। और तर्पण जब चढ़ाते तो यह है पितृतीर्थी, इसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं, यह है ऋषि तीर्थ, यह है देवतीर्थ और यह है पितृतीर्थ। तो जल ऐसे गिराया जाता है पितृतीर्थ से। और पुरुषों को चाहिए कि यज्ञोपवीत अभी ऐसे है ऐसे पहन लें। तो जो लोग ऐसे पहनते हैं उपवीत से पता चल जाता है कि भूतों की पूजा कर रहा है। जब उल्टा पहनता है तो प्रेत कौन है, मरा हुआ व्यक्ति कौन, भूत तो है ही। तो इसलिए प्रेत कांड में प्रेतों की पूजा ऐसी की जाती है, उल्टा उपवीत लगा करके। इसके पीछे है हर प्रकार के सूक्ष्म नियम होते हैं। तो 11वां दिन कुछ नहीं होगा, उनको शांति मिलेगी। अब 12वां दिन 16 पिंड और तर्पण चढ़ाई जाती है। 16 पिंड कैसे, 12 पिंड उस पितरी के लिए, 3 उनके पूर्वजों के लिए और 1 पिंड ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए चढ़ाया जाता है। साथ साथ एक यज्ञ की जाती है और शास्त्रों का पाठ किया जाता है। 13वां दिन ये माना गया है कि प्रेत एक पितरी बन जाता है और वो चला गया, अपने नवधाम को चला गया। उसके पश्चात हमें चाहिए कि प्रति महीना श्राद्ध अर्पण करे और फिर हर 6 महीने पर, फिर हर 12 महीने पर, जिसको सपिंडकरण कहते हैं, और वार्षिक श्राद्ध भी होता है एक उदिष्ट। हमने अपने तीर्थयात्रा में भारत में कई बार देखा है, जैसे कि मैं एक बार चित्तौड़ में गया था, आप कभी कहीं चित्तौड़ गए होंगे तो आप देखना वहाँ पर कई प्रकार के स्मारक हैं, जहाँ पर क्या नाम उसका, ओ वीर पाका जैमल फल फत्ता आदि आदि, जहाँ पर उनका वो धराशायी हुए थे वहाँ पर स्मारक बना दिए हैं। तो मैं एक बार वहाँ पर चल रहा था तो देखा कोई आकर पूजा कर रहा है, तो पूछा कि आप पूजा क्यों कर रहे हैं। तो कहा महाराज जी हम पूजा नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ खटपट होता है हमारे परिवार में, हम जैमल के वंशज हैं, हम लोग फत्ता के वंशज हैं, यदि हम लोग यहाँ पर हर साल आकर चढ़ाते नहीं कुछ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। तो मैं समझ गया हाँ ये वार्षिक श्राद्ध कर रहा है, आज भी वो लागू होता है, ऐसा हमने देखा, अनुभवी बातें हैं। और इसके पीछे रहस्य क्या है, पिंड चढ़ाने का क्या है। कहते हैं गरुड़ पुराण में कि पृथ्वी और यमलोक की दूरी कितना है, 86,000 योजन की दूरी है। और 12 दिन में जब कोई किसी का शरीर छूटता है, किसी का शरीर, तो वो 12 दिन में यमलोक एयरपोर्ट पे पहुंचता है। यमलोक एयरपोर्ट मतलब वहाँ पर पहुँचेगा, किंतु अभी कोई रहने का स्थान तो नहीं मिला ना, तो उसको ट्रांजिट बोलेंगे, यमलोक एयरपोर्ट पहुँचा है। फिर वहाँ से उसको यमपुरी पहुँचने में 1 साल लगता है, और वहाँ जाते जाते उनको 16 नगर पार करने पड़ते हैं। उन लोगों जो लोगों नगरों का नाम भी बताया गया है, जैसे यामिया नगरेंद्र नगर, गंधमादन, शैलग्राम, क्रूरपुर। यमलोक में एक नगर का नाम है क्रूरपुर, नाम से पता चलता है कि बहुत क्रूर कार्य होते हैं। अब वास्तव में शैलपुर में जो पापी होगा उसको पर पत्थर मारा जाएगा, पापियों का जय हो। हम तो सुन के भाई भक्त करोड़ा वही होते, यह को जय हो रहा है। एक है नाना क्रंदनपुर, वहाँ पर पहुँचने में कई प्रकार के रोदन आदि आदि होता है। ऐसे साल के अंत में वो यमपुरी पहुँचता है, जहाँ पर यमराज विराजमान है ना। जैसे आप यहाँ पर एयरपोर्ट से वृंदावन पहुँचने में कई जगह पास होते हैं ना, आप ये क्या बोलते हैं, वो होटल आता है, फिर आप समझ जाएंगे, है धीरे धीरे तब वृंदावन आती है। उस समय क्या होता है, जब किसी के प्राण, किसी का प्राण छूटता है तो वो लिंग शरीर में होता है, उसको वायुज शरीर कहा गया है गरुड़ पुराण में। और उस शरीर को अब पिंडों द्वारा ढका जाएगा। जब जब वो एक पिंड पाएगा तो उस आधे पिंड का, पिंड से उसकी शरीर बनेगी, और 1/4 भाग उसके भरण पोषण के लिए है और 1/4 भाग यमदूतों के लिए है। आपको पता है यमदूत कैसे बनते हैं, यमदूत कोई कैसे बनता है आपको पता है, उसके लिए आपको माने कैसे बोलते हैं, नो वेकेशन ऐसे नहीं होता है, जितने चाहो उतने यमदूत बन सकते हैं, बाद में बताएंगे। पहले ये जान लो कि पिंड क्या करता है। पहला पिंड खाने से
उस लिंग शरीर पर एक पिंडज शरीर बनता है जिसमें वो भोग कर सकता है, क्योंकि वायु शरीर में प्रेत के लिए ये खाना या तृप्त होना असंभव होता है, इसलिए उसको एक नया देह दिया जाता है जिसको पिंडज देह कहते हैं। तो पहले पिंड खाने से शरीर मस्तक बनता है, दूसरे से गर्दन और कंधे बनते हैं, तीसरा से हृदय, फिर पीठ, चौथा पांचवा नाभि, छठा से पेट बनता है। अब यास्त्री के बाद कि नाभि बन गया, पेट नहीं है, अब पर ऐसे पुराण में बताया गया है। सातवां में प्रजनन बनते हैं, आठवां में जंघे बनते हैं, और नौवां में ये जो तालू है ऊपर का, यह जहाँ जीवा लगता है और पाँव बन जाते हैं, और दसवें में उनको भूखने लगने लगती है। इसलिए ग्यारहवा बारहवा दिन पर उसको इतने सारे पिंड दिया जाता है ना, बारह, ताकि वो खा पी करके पुष्ट हो जाए, और तेरहवा दिन तब उसकी यात्रा शुरू होती है यमलोक एयरपोर्ट से यमपुरी तक, और सोलह नगर अब आएंगे वहाँ पे। यदि उसने पुण्य किया है तो यातना झेलने नहीं पड़ती है, यदि पाप किया है तो क्रूरपुर आएगा, शैलग्राम आएगा, है ना, जहाँ पर उनको यातना सहनी पड़ती है, ऐसे बताया गया है। तो जब पहुँचेगा वो यमपुरी में, तब चित्रगुप्त खाता खोलेगा आपके कर्मों का, क्या क्या किया है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये छिपा कर किया है, ये खुल कर किया है, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब क्या करना है आपको, तुम बताओ, तुम इस्कॉन के भक्त हो, पहले स्वर्ग जाओगे कि तुरंत नरक? दुर्योधन से ये पूछा गया था, वास्तव में महाभारत में ऐसा वर्णन है कि जब कोई मृत आत्मा जाता है तो दुर्योधन के पास बहुत पाप कर्म था और थोड़ा से पुण्य भी था, तो उनको लगा पहले भोग करें, इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग में गए तो दुर्योधन को देखा और बहुत परेशान हो गए, कैसे हो सकता है दुर्योधन स्वर्ग में, तो उनको समझाया गया, नहीं, जब कोई मिश्र कर्म करता है पाप और पुण्य, तो उसको ये अवसर दिया जाता है, पहले तुम पाप भुगतोगे या पहले पुण्य भुगतोगे, तो दुर्योधन ऐसा था पहले पुण्य भुगत ले फिर सदा सदा के लिए नरक में जाओ, है ना, ऐसा होता है। तो मिश्र कर्म होता है तो पूछेगा, अच्छा आप कहाँ गए, भयभीत मत हो, आप नहीं जाएंगे, वो नाम वाला इस्कॉन भक्त होगा, तो बाहर से रूप से इस्कॉन भक्त था किंतु अंदर से कुछ और करता था, वो जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पर उनकी खाता देख करके अब निर्णय लिया जाएगा कि उनको कहाँ जाना है। हाँ, यमदूत कैसे बनते हैं, पाँच मिनट बाकी है, जिन व्यायाम करने से नहीं बनते, नहीं, यमदूत ऐसे बनते हैं कि भाई जिनके वंश में पिंडदान करना बंद कर दिया है उनके वंशजों ने, विशेष करके आप इसे सावधान रहना, एक यहाँ पर मति है भारत में और विदेशों में भी मति बहुत प्रबल है, उसको आर्या समाज कहते हैं, और यहाँ पर सिखों में भी यही हाल है कि ये लोग पिंडदान बंद कर दिए हैं। तो इनसे क्या होता है, पूर्वजों को इतनी भूख लगती है वो तड़पते हैं, प्यासे होते रहते हैं, और जो कोई बहुत सालों साल तक नहीं खाए तो उसका शरीर कैसे दिखेगा, कुबेर जी जैसा मोटा ताजा नहीं ना, एकदम भूख से संतप्त क्रूर। तब वो उनको देख करके यमराज जी दया मैं होकर के उनको अपने सेवा में ले लेते हैं, तब वो यमदूत बनते हैं, और इसलिए यमदूत इतने उत्साहित होते हैं मृत आत्माओं के पास जाने के लिए, क्योंकि तेरे ही कारण, तेरे जैसे लोग के कारण मैं ऐसे बना हूँ, आज मैं तुम्हें वापस वो दूंगा, इसलिए यमदूत, उनको इतना उत्साह होता है, चलो पकड़ो उसको, हाँ हाँ, जब ऋषि मुनि कह रहे थे प्रवचन में कि ऐसे मत करो, तो तुम ये सब बकवास की बातें हैं, हाँ अब आई है ऊंट पहाड़ के नीचे, वैसे होता है वास्तव में, तब वो बनता है, ये यमदूत बनता है। यहाँ पर भागवत में भी एक अश्विन कृष्ण पक्ष आता है, भागवत में सातवां स्कंद में आप पाएंगे युधिष्ठिर महाराज और नारद के बीच में जो संवाद चला था, उसमें नारद बता दिए कि कब कब श्राद्ध अर्पण करना चाहिए, तो ये कर्मकांड विधि है। और अब देखिए आप किस परिवार में हो, वैसे मैं ये बात सिखों से पूछा हूँ, सरदारों से, तो कहा हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ समय बाद छिप करके, महाराज जी सब करते हैं किंतु कुछ नहीं बताते, उनको विदित होता है ये पीड़ा यातना जो है सहनी पड़ती है। तो वास्तव में यदि हम इन चीज़ों से बचना चाहें तो अच्छा भजन करना पड़ेगा, त्रिगुण अतीत बनना पड़ेगा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा बनना पड़ेगा। आगे यहाँ कर अब
नारद जी और अंगिरा ऋषि चित्रकेतु को ऐसे मंत्र देंगे जिससे वो हरि भक्ति में दीक्षित हो जाएंगे और 7 दिन के अंदर अंदर शंकरशन भगवान के दर्शन पाएंगे, है ना। तो जो दर्शन पा लिया उसको यमलोक पिंडदान आदि करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आप में वो क्षमता नहीं है कि 7 दिन में आप हरि को बुला सके या जैसे बाकी बिहारी को प्रकट करा सके, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। वैसे ऐसे देखना चाहिए। हमने कई बार देखा है पुरोहित करते समय, कहेगा प्रभु जी वो लड़का जो मरा था ना सपने में आया, पिताजी मुझसे बता रहा है, और कहा कि पता नहीं आप लोगों ने क्या किया पर मुझे कुछ नहीं मिला। मैं कहा आप लोगों ने क्या किया, और माला दिया है, राधा गोपीनाथ को प्रसाद लाकर उसको दिया, सब उसी क्या बोलते उसको कब्र में बक्से में रख करके जला दिया, है ना, किंतु विधि विधान से नहीं किया। एक और भी भयंकर विधि है, उसको पंचक कहते हैं। आप जानते होंगे पंचक किसको कहते हैं, नहीं। 5 ऐसे नक्षत्र होते हैं जिसमें कोई शरीर छूटता है तो 5 परिवार लोगों को भी ले जाएगा, इसलिए ग्रहों की शांति करनी पड़ती है। और मैंने देखा ना केवल हिंदुओं के परिवार में, ना हिंदुओं के परिवार में भी होता है। कई बार हमने सुना है ओह आई हैव लॉस्ट माय फैमिली विद इन अ फ्यू मंथ्स सो मेनी हैव लेफ्ट, उनको पता ही नहीं कारण क्या है, पर हमारे यहाँ पर ये ज्ञान है कि ग्रह शांति करनी पड़ती है। इसलिए अब देखो आप भक्ति नहीं करेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा, इसलिए भक्ति अच्छी तरह से करो, मन लगा करके करो, नहीं तो क्रूरपुर शैलग्राम। समय हो गया है, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बच्चे का पूर्व जन्म का इतिहास है, देखो जो भी जीव यहां पर आता है पूर्व जन्म का इतिहास तो होता ही है उनका। मैंने आप भागवत के बारे में पूछ रहे हैं या कोई व्यक्ति? हाँ अच्छा, तो हाँ वो वही प्रश्न आया ना कि ये वृत्रासुर ये असुर था, हाँ ना, उसका इतिहास यहाँ तक मुझे ठीक से याद नहीं है, विदित नहीं है क्या उसका पिछले जन्म का इतिहास क्या था, पर बात तो यही है ही कि चित्रकेतु को कर्म के आधार पर संतान होने का कोई भाग्य नहीं था, तो अपने कर्म से अपने शक्ति से अंगिरा ऋषि ने होम करके उनको संतान दिया था। कहीं पुराणों में शायद होगा, मैं इसका कोई रिसर्च विशेष नहीं किया। अच्छा अच्छा, हो सकता है, ठीक है, उसका कोई इतिहास होगा, किसी को भी देते हैं यहाँ पे तो बता सकता है, आपको भी चांस मिल जाएगा। तभी मैं बताया ना, प्रभा जी ने कहा था कि उसकी श्राद्ध किए जाए किंतु वैष्णव विधि से, आप जो कह रहे हो भक्त है ना, तो 3 दिन के बाद एक संवेदना सभा लगेगी, उसमें हम लोग पिंड चढ़ा करके कृष्ण को और भोग लगा करके उस प्रसाद को चढ़ाएंगे उस भक्त के नाम से। वो ये हम लोग ये इस्कॉन में चलता है, वो पूरा जो कर्मकांड जो है, जो गरुड़ पुराण और आदि भी और भी शास्त्र हैं, कुछ धर्म शास्त्र हैं जिनके आधार पर पंडित ये काम करते हैं पंडित, तो वो करना आवश्यक नहीं है। किंतु जब भी ऐसा कोई अवसर आन पड़े, सबसे अच्छा रहेगा उसके गुरु से पहले सलाह ले लें कि आप उनके गुरु हो, ये बताओ कि इनके लिए कर्म करना चाहिए कि नहीं। और कोई प्रश्न? क्या? हाँ, ये उसका नाम है सत्क्रिय सार दीपिका, सत्क्रिय सार दीपिका, सत्क्रिय सत्क्रिय सार, सत्क्रिय सार दीपिका, इसका लेखक है गोपाल भट्ट गोस्वामी। मुझे पता नहीं कि इसको अब छाप रहा है कि नहीं, जब मैं मायापुर में था तो हम लोगों ने उनसे शिक्षा ली थी, किंतु जैसे होता जब मांग नहीं होती तो छपना भी बंद हो जाता है। आप शायद थोड़ा गौड़िया मठ ट्राई कर लो कि वहाँ पर आपको मूल मिल सके, बंगाली में होगा या तो बंगाली में होगा, हो सकता है। अब कहाँ मिलेगा ये मैं बता नहीं सकता, मेरे पास जो इंग्लिश एडिशन था उसका मैं प्रयोग करता हूँ, किंतु वो डिजिटल है, वो फोटो से मैं रख लेता हूँ ना, वो सत्क्रिय सार डीपी का। किंतु जैसे अब देखो आप, हाँ ये आप हेड पुजारी से पूछ लो कि वो करते हैं ये सब क्रियाएं, है ना, क्या नाम उनका, मुकुंद दत्त प्रभु, तो उनके पास शायद एक कॉपी होगा, मुकुंद दत्त मुकुंद दास, ठीक है, अच्छा
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।